नमस्कार, बोल क्लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल क्लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि लखीमपुर खीरी कांड में जहां 8 लोगों को रौंद दिया गया था और उस मामले में आरोपी मोनू मिश्रा, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है, उसे गिरफ्तार किया गया, उसकी पुलिस के सामने हाजिरी हुई, उसे बेल मिल गई, मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार इन मंत्री की बेटों के साथ किस तरह का बर्ताव करती है, आप खुद भी बताइए ना। कोई जेल में रहे भी, अगर मोनू मिश्रा जैसा शख्स जेल में रहे भी, तो पुलिस उनके साथ अंदर क्या बर्ताव करेगी? पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा? वो भूल जाइए, मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूं। देखिए किस तरह से आज जब वो सुबह हाजिर हुए लखीमपुर पुलिस स्टेशन के सामने, तो पुलिस उन्हें कितने प्यार से, कितने संभाल के उन्हें यहां पर पेश किया जा रहा है। देखिए, मानो न जाने कौन सी जंग जीतकर आए हैं माननीय। और सबसे दुख की बात यह है कि इनके पिता तो अभी से ही मानते हैं कि उनके बेटे का कोई दोष नहीं है। चले, पिता प्यार है, बात समझ सकते हैं, मगर जब पहले से ही आपके ऐसे तेवर हैं तो क्या वाकई हम इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं? क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस इस पे उचित कार्रवाई करेगी? और सबसे बड़ी बात, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, उन्होंने न सिर्फ योगी सरकार पर जो है लताड़ लगाई है, बल्कि सीबीआई पर भी लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई के जरिए इसकी जांच भी हो गई तो कौन सी बहुत महान बात हो जाएगी। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि मोनू मिश्रा के जो पिता हैं अजय मिश्रा, अब से मामले पर किस तरह से दबाव डाल रहे हैं। जिस तरह से लोगों को पकड़ा गया, आपने वीडियो देखा होगा, तो आपको यह भी विश्वास होगा कि अगर मेरा बेटा भी वहां होता तो उसकी भी हत्या अब तक हो चुकी होती। जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो सुना आपने। और दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को यह कहकर छोड़ने को राजी नहीं है कि अगर आर्यन खान रिहा हो गया तो वो मामले को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। अरे, यहां पर साफ तौर पर गृह राज्य मंत्री से मोदी सरकार ने इस्तीफा तक नहीं मांगा है। वो आदमी जो है साफ तौर पर कह रहा है कि मेरे बेटे का दोष नहीं है। क्या यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं दिखाई देता कि किस तरह से मामले को प्रेरित करने की या प्रभावित करने की कोशिश मोनू मिश्रा और उनके पिता कर रहे हैं? और आप जानते हैं, इस पूरे मामले में हम सब एक बहुत बड़ी बात भूल गए हैं। हम जो सबसे बड़ी बात भूल गए हैं कि यह हादसा दरअसल हुआ क्यों। यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि अजय मिश्रा ने किसानों को बार बार भड़काया। ठीक है, उस गाड़ी ने पीछे से आके किसानों को रौंद दिया, वो तो हमें साफ तौर पर एक प्रमाण दिखाई दे रहा है, मगर किसान आखिर वो काला झंडा लेकर क्यों आए? क्योंकि अजय मिश्रा ने उनकी बेइज्जती की थी, उनकी तौहीन की थी। देखिए क्या बोल रहे थे कि मैं किसानों को ठिकाने लगा दूंगा। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। और बात वहां नहीं रुकी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किसानों के सामने से अजय मिश्रा गुजर रहे हैं, उन्हें इस तरह से ढेंगा दिखाते हुए। बार बार अजय मिश्रा ने किसानों को भड़काया, उन्हें टारगेट किया, और फिर एक गाड़ी आती है और पीछे से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद के चली जाती है। मुझे दुख सबसे ज्यादा यह हो रहा है दोस्तों कि सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिन जिन सांसदों के खिलाफ केसेस होंगे, मैं उन केसेस की खास तौर पर जांच करवाऊंगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसका जल्दी से मैं तुरंत निपटारा करवाऊंगा। याद है आपको प्रधानमंत्री का वो बयान? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री आप अपना खुद का बयान भूल गए हैं, तो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं देश की जनता सुने कि प्रधानमंत्री ने हमें क्या वादा किया था। सुनिए। हमने तय किया है, जितने लोग विधानसभा में चुन करके आए हैं,
जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और एक साल के भीतर भीतर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाएं, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। प्रधानमंत्री का आज ये बयान इसलिए बहुत अधूरा खोखला लग रहा है क्योंकि अजय मिश्रा पर तो हत्या तक का मामला है। अजय मिश्रा साफ तौर पर यहां देखे जा सकते हैं कि जो आरोप उनके बेटे मोनू मिश्रा पर लगे हैं, आशीष मिश्रा पर लगे हैं, उससे वो किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी बात, आप इस मुद्दे पर खामोश। आप लखनऊ आए, वहां से 130 किलोमीटर की दूरी पर लखीमपुर खीरी है, मगर आप उन किसानों के परिवारों से नहीं मिले। उल्टा आपकी जो पार्टी है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपना काम करने के बजाय बाकी सारा काम इनसे करवा लो। अब इनका बयान देखिए। लखीमपुर खीरी की घटना में दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, जिस खबर का हवाला दिया गया उसमें योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री नीचे देखिए, कहा लखीमपुर खीरी की घटना पर आंसू बहाने वाले जम्मू कश्मीर की घटनाओं पर भी बोलें। और ये अकेले नहीं है दोस्तों, इनके मंत्री हैं। कश्मीर में चुनाव नहीं इसलिए भाई बहन और बाकी विपक्षी दल वहां नहीं जाएंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ और ये जो सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, दोनों से, इस देश के प्रधानमंत्री कौन है, इस देश के गृहमंत्री कौन है? क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस देश की गृहमंत्री हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, देश के गृहमंत्री हैं अमित शाह, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? वो हैं अजीत डोभाल। इन तीनों में से जो हमारे 5 लोग मारे गए पिछले 60 घंटों में कश्मीर के अंदर, इन तीनों में से कौन मिलने गया उन परिवार से, बताइए मुझे बताइए ना। और ये सरकार तो हिंदू हितों की बात करती है। आप जानते हैं इन 5 हत्याओं के बाद, जिसमें एक शिक्षक है, एक प्रिंसिपल है, इन 5 हत्याओं के बाद जो 1990 से नहीं हुआ अब जाके हो रहा है। आपके सामने देखिए, कश्मीर में फिर से निशाने पर पंडित, डर से शुरू हुआ पलायन। यह वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कश्मीर के नाम पर वोट्स बटोरे। इन्होंने कहा धारा 370 हट जाने के बाद आतंकवादियों की कमर टूट गई, फलाना ढिमकाना, नोटबंदी के बाद अब आतंकवादियों का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ढह गया। आपके सामने देखिए ना साहब, मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो हैं वो पलायन करने पर मजबूर हैं, वो भी उस सरकार के नेतृत्व में जो हिंदू हितों की बात करती है, कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत करती है, बताइए। और योगी आदित्यनाथ इस बात ये बात कर रहे हैं। मैं योगी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपने मुद्दे पर बने रहिए ना। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इंटरव्यू दिया और यहां उन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक बात कही। दोस्त, एक तो एंकर, उसने बहुत ही शर्मनाक सवाल पूछा और उसका जवाब भी उन्होंने बहुत शर्मनाक जवाब दिया। एंकर ने यह सवाल पूछा कि प्रियंका गांधी तो झाड़ू लगाने लग गई, मानो झाड़ू मारना कोई शर्म की बात है। और उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि इनको जनता ने, इनकी यही औकात है और जनता ने इनको यही करने पर मजबूर कर दिया है। आज ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस तरह का विवादास्पद बयान दिया। आपको याद होगा कैमरे के सामने इन्होंने एक शब्द कहा था जो मैं आपको दोहरा भी नहीं सकता। आइए वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक निहायत ही अश्लील शब्द कहा था। जैसे मैंने कहा ना, वो शब्द मैं आपको बता भी नहीं सकता, सुनिए। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। तो
जो लोग झाड़ू पोछा करते हैं या झाड़ू लगाते हैं उनका अपमान, साफ तौर पर। और वो ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, जब प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में रखा गया था तब वो झाड़ू मार रही थी अपने रूम की। इस वीडियो को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने मजाक उड़ाया। अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए उनका यह बयान जो है वो गले की फांस बन गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने इसे जोरदार मुद्दा बनाया है। ये वीडियो देखिए दोस्तों, इस ट्वीट में वो क्या कह रही हैं, पहले वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जातिवादी बयान देकर अपनी दलित विरोधी मानसिकता दिखाई। कल उत्तर प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस समितियां भगवान वाल्मीकि मंदिर में सफाई करेंगी। देश के करोड़ों दलितों और महिलाओं का अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मैं चाहूंगा आप वो वीडियो देखें जो जिसके जरिए कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही है। कांग्रेस ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है दोस्तों। क्या कह रहे हैं पार्टी के नेता अजय कुमार लल्लू आपके स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, सफाई कर्मी विरोधी हैं। मुख्यमंत्री जी, निश्चित तौर पर आपके इस घमंड को महिलाएं और दलित समाज के लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए, यह सवाल उठना तो लाजमी है ना, हाथरस में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या हो जाती है, प्रशासन रातों रात उसके शव को जला देता है, और यही नहीं, परिवार को उसके अंतिम संस्कार में उपस्थित होने की अनुमति तक नहीं मिलती है। बाद में लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार कहते हैं बलात्कार ही नहीं हुआ, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट इनके मुंह पर तमाचा मारता है, खुद सीबीआई कहता है हां साहब बलात्कार भी हुआ था और बाद में हत्या हुई थी। तो लगातार एक सोच दिखाई दे रही है, एक दलित विरोधी सोच दिखाई दे रही है, और मुख्यमंत्री खुद बढ़ चढ़ के इसकी अगुवाई कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं ना मुख्यमंत्री से, आपने ऐसा क्यों कहा कि ये तो सफाई झाड़ू पोछा मारने लायक ही है? क्या आपके मन में झाड़ू करने वाले लोगों के प्रति नफरत है? बताइए ना, इस सवाल का जवाब देते क्यों नहीं बन रहा आपसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? विपक्ष दोस्तों लगातार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर दबाव बढ़ा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब जल्द एक यात्रा निकालने वाले हैं, एक विजय यात्रा निकालने वाले हैं, और उनका बयान एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आया है जो आपके स्क्रीन पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, सरकार न्याय में भेदभाव कर रही है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज, जनता सब देख रही है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता हूं होता क्या है, उत्तर प्रदेश में जब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तब ये लोग क्या कहते हैं कि विपक्ष कश्मीर क्यों नहीं देख रहा, और कश्मीर में लगातार कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, जिम्मेदारी उस सरकार की या उस पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सत्ता इस वक्त कश्मीर में है, क्योंकि प्रशासन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। वहां पर आप किसको ब्लेम करते हैं? वहां पर आप ब्लेम करते हैं उदारवादियों को कि तुम यहां पर सवाल क्यों नहीं कर रहे। और जब छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा होती है तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे मुसलमानों के एक ऐसी भीड़ की अगुवाई करते हैं जो भीड़ मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगा रही होती है। यह बीजेपी का किरदार हो गया है। और अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है दोस्तों तो यह वीडियो देखिए, और इस वीडियो में देखिएगा मुसलमानों के खिलाफ कितने भद्दे भद्दे नारे लगाए जा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, जब एक जगह पर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो वहां सरकार की पहली प्राथमिकता होती है, जवाबदेही सरकार की होती है, और फिर विपक्ष का किरदार होता है कि कुछ ऐसा ना करे जिससे माहौल बिगड़ जाए, मगर विपक्ष को यह पूरा अधिकार होता है कि वो पीड़ितों से मिले। जो मैंने अभी अभी आपको छत्तीसगढ़ का वीडियो दिखाया उसके अंदर बीजेपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह जो यात्रा निकाल रहे हैं उसके अंदर इस तरह के भड़काऊ नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों चाहती है कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर दंगे शुरू हो जाएं? जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता है वहां पर इनकी कोई जवाबदेही नहीं,
जिन राज्यों में इनकी सत्ता नहीं है वहां पर इस तरह से माहौल खराब किया जाता है। आप बताइए ना, मैं आपके सामने सिर्फ तथ्य रख रहा हूं, यह मेरी कल्पना की उड़ान नहीं है। इन तथ्यों का क्या जवाब है बीजेपी के पास? क्योंकि इनमें से किसी के नेता की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने आके बैठकर मेरे सवालों के जवाब दे। खैर, हम लगातार ये मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम है बोल के लब आजाद है तेरे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।